एवरीवन, स्वागत है आपका अपना सपना जेआरएफ पर, जहां हम तैयारी करते हैं फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। तो इसी रिगार्ड में एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं कन्वे करने के लिए आई हूं। इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के लिए एक टॉपिक को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेल साइकिल एंड रेगुलेशन, जो कि यूनिट नंबर 2 यानी सेल बायोलॉजी का एक बेहद ही जरूरी टॉपिक है और कई तरीके से जरूरी है। मैं आपको भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और ये भी बताऊंगी कि कहाँ क्लासेस होंगी और किस टाइम होंगी, किस तरीके से होंगी। ये सब इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में रहेंगी। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एक कोर्स लॉन्च मैं कर रही हूं जिसका नाम है सेल साइकिल एंड रेगुलेशन। तो आप जानते ही होंगे कि सेल बायोलॉजी, जो कि यूनिट नंबर 2 है हमारे सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के सिलेबस में, सेल बायोलॉजी का ये टॉपिक है और थोड़ा सा लेंथी जरूर है बट बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी में भी आते हैं, पार्ट सी में भी आते हैं। कभी भी एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो, आइदर पार्ट बी में आया हो या फिर पार्ट सी में आया हो। तो काफी इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा सा लेंथी भी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से किया जाए क्योंकि ये आगे भी आपके काम आने वाला है। जैसे आप अगर आगे पढ़ाते हैं तो भी, या फिर अगर आप पीएचडी करने जा रहे हैं तो भी, सेल साइकिल एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हमेशा काम आने वाला है। तो मैं ये चाहती हूँ इस टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से किया जाए कि वो आपके नेट क्वालिफाई करने के लिए भी ठीक रहे और आगे भी आपकी हेल्प करे। ठीक है, तो देखिएगा ये जो क्लासेस है रोज हुआ करेंगी, कल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और लाइव क्लास रहेंगी और 11 बजे रहेंगी। तो ये क्लासेस जो हैं ये आपकी लाइव रहेंगी और यही इसी चैनल पर रहेंगी और टाइम रहेगा 11 बजे। ठीक है, सो 11 AM इज द टाइम फॉर द लाइव क्लासेस। सो मेक श्योर आप अभी से ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और सारी क्लासेस आपको सीक्वेंस में मेरे साथ पढ़नी है, मैं पढ़ाऊंगी और आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार जान लेते हैं कि टॉपिक जरूरी क्यों है और कहां कहां ये टॉपिक आपको मिल सकता है। तो यदि आप लाइफ साइंसेस के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीएसआईआर नेट हो, चाहे गेट हो, डीबीटी जेआरएफ हो, आईसीएमआर हो, बार्क हो, सीयूटी पीजी हो, बीएससी हो, एमएससी हो, आप जहां पर भी हैं, आइदर आप बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं या फिर इनमें से किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर जगह ये टॉपिक सिलेबस में मिल जाएगा। तो ये तो हुआ एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, आपके सिलेबस के प्रोस्पेक्टिव से भी ये टॉपिक जरूरी है। यदि आप सेल बायो नहीं पढ़ रहे हैं तो आगे जाकर के जब आप कैंसर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो नहीं समझ आएगी, आगे जाकर के आप एपोप्टोसिस पढ़ोगे, सेल डेथ, वो आपको नहीं समझ आएगा, आगे जाकर के आप पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग, नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक इसी टॉपिक से लिंक है। तो इसलिए ये टॉपिक आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में भी बहुत जरूरी है और आपके सिलेबस के प्रोस्पेक्टिव में भी जरूरी है। तो जब ये टॉपिक इतना जरूरी है तो उसको ध्यान से किया जाए ताकि बाकी टॉपिक्स में भी आपको हेल्प मिले या फिर इन सभी एग्जाम्स में भी आपको हेल्प मिलेगी फ्रॉम दिस टॉपिक। अब बारी है कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस कोर्स के दौरान। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन की वीडियो दूंगी जिसमें हम पढ़ेंगे सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल के जितने भी स्टेजेस हैं फिर फेज हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ड्यूरेशन कितना है, डायरेक्शन क्या होती है, एन और सी कॉन्सेप्ट क्या होता है, और सेल साइकिल का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी के अंदर या फिर हमारे सेल के लिए। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल साइकिल। हम दो टाइप के होते हैं, सेल साइकिल जो है वो दो टाइप की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। दोनों को डिटेल में पढ़ना है, हालांकि पहले यहां से डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते थे लेकिन अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ है अपना जून 2024 का, उसमें मियोसिस से और माइटोसिस से डिटेल में क्वेश्चन आए हैं, इनका जो पूरा प्रोसीजर है वहां से क्वेश्चन आए हैं। तो अब की बार हमें ये टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा, माइटोसिस और मियोसिस। ये सब पढ़ने के बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी सेल साइकिल का रेगुलेशन, यानी जब सेल डिवाइड कर रहा है उस दौरान किस किस टाइप का रेगुलेशन होता है, किसको रोका जाता है, कैसे रोका जाता है, किसको चालू किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये सब आता है सेल साइकिल के रेगुलेशन में। तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ के, इनके टाइप्स पढ़ के फिर हम रेगुलेशन पढ़ेंगे। साथ साथ मैं आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। जैसे मानो हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है माइटोसिस, तो माइटोसिस से जितने भी पीवाईक्यूज क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, साथ में अदर एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है तो वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन को भी मैं लेकर के आऊंगी, मतलब जो आपके पीवाईक्यूज में नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन भी आएंगे ताकि आपकी और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके अपने टॉपिक को लेकर के। तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, यहीं पर पढ़ने वाले हैं, लाइव क्लासेस रहेंगी और वन मोर थिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ये क्लासेस रहेंगी। आपको कुछ भी पे नहीं करना है, बस अटेंशन पे करना है, ध्यान से पढ़ना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और लाइव क्लासेस इसलिए हैं ताकि आपका जो भी डाउट रहता है
आप तुरंत उसको मेरे साथ में सोल्व कर सकें, डाउट पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। तो लाइव क्लासेस की यही खूबी होती है कि जो भी डाउट आपके रहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं भी आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर आप बिल्कुल ध्यान दें कि कल से, यानी कल है 1 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर है, और तब कल से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं 11 बजे से अपनी ये लाइव क्लासेस होंगी और 11 बजे होंगी, यही इसी यूट्यूब चैनल पर होंगी, ठीक है जी। चलिए, तो मैं आज की इन्फॉर्मेशन सारी कन्वे कर चुकी हूँ, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, या फिर जो भी आपके जानकार हैं, आपके दोस्त हैं जो इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, आप उनके साथ में भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और खुद तो आपको फॉलो करना ही है, ठीक है। फिर मिलते हैं कल 1 बजे, नहीं कल मिलते हैं 1 तारीख में 11 बजे विद सेल साइकिल एंड रेगुलेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।